है और आप देख सकते हो सिलेंडर से माल तैयार होता है। तो देखिए अब इसमें है भाई माल डल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये देखिए अब इसमें माल डाल रहे हैं। देखिए इसमें खाली हो चुका था, तो ये देखिए भाई जा रहे हैं हंडी देखने वाले साथ दर्शकों विक्रम की राम राम और व्यवसाय विकास स्वागत है। तो देखिए दोस्तों आज मैं आपको एक मशीन दिखाने जा रहा हूँ भाई। जैसे कि आप सड़कों पर देखते हैं कि जो आप ये लाइनिंग होती है साइड में देख सकते हैं भाई, जो लाइनें हैं किस तरीके से भैया जो साइडों में भाई लगाई जाती हैं, तो आप देख सकते हैं इस वक्त। देखिए वो मशीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये मशीन है एक, तो भाई देख सकते हैं भाई ये मशीन है। और ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पर देखते भाई इसमें सिलेंडर रखा हुआ है, ये खोल दिखाना भाई क्या इसमें ये क्या इसमें है कांच। हाँ देखिए देखते कांच है भाई इसमें कांच, कांच ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये पुट्टी पे लगता ना इसमें लगता है। तो भाई देख सकते हैं आप ये देखिए भाई जो जो लाइनिंग है लाइनिंग ऊपर इसको डालते हैं। अब देखिए दोस्तों अभी लाइनिंग लगाने जा रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों आप ये देखिए आगे आगे भाई सफाई हो रही है। और भाई ये देखिए अभी इस लाइनिंग खींच रहे हैं, यहाँ पर नीचे भी है भाई देख सकते हैं भाई गैस चली हुई है। देखिए भाई तो भाई आप देख सकते हैं भाई ये जो सड़कों पर लाइनें ऐसे भाई लगाई जाती हैं। तो भाई पहली बार आपको मैं दिखा रहा हूं भाई ऐसे ऐसी वीडियो वहाँ खींचने कहते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि सड़कों पर चलते हैं। तो देखिए अच्छा आप ये बताओ मतलब इसमें क्या है ये थर्मोप्लास्टिक, थोड़ी ज़ोर से बोलो थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये ज़्यादा महंगा होता है ये? हाँ ये करीब 1500 रुपये कट्टा था 25 किलो। अच्छा 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 देखिए अभी आप लगाते रहे हैं लाइन लेकिन सड़क टूटी हुई सारी है, टूटे हुए नहीं लगता ये, टूटे हुए नहीं लगता। अच्छा टूटे हुए लगता लेकिन अभी ये क्या जो टुकड़े अभी खाली हैं जो अभी इतने गड्ढे यहाँ पर सड़क में हुए हैं इनकी बनने की संभावना है कुछ? पता नहीं अभी इसके बारे में आपको पता नहीं, सिर्फ आपका कार्य तो लाइनिंग लगाने का होता है। तो फिर भी आपको कुछ जानकारी उसके बारे में इसमें कुछ मुलब्बा भर जाए? हाँ मरम्मत हो जाएगी इनकी, मरम्मत हो जाएगी है उम्मीद यहाँ पर? हाँ हाँ होएगी होएगी। तो वही यहाँ पर देखते हैं कह रहे हैं कि जो भाई सड़कों पर भी बोड़ी रोड पर भाई जो डीव स्कूल से लेकर है वो जो सकाई लारक है तो वहाँ तक अगर देखा जाए तो काफ़ी गड्ढे देखने को मिलते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि उम्मीद है कि जो वही ये बोड़ी रोड के जो गड्ढे हैं भाई ये भरने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है कि भाई जो लाइनें इस तरह यहाँ पर खींची जाती हैं वो मैं आपको मैंने है स्टूडियो में दिखाई है। तो एक बार फिर आप देख सकते हैं जो लाइनें कैसे लगाई जाती हैं, ये मशीन वो है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए भाई ये होती है ऐसे ऐसे लाइनिंग खींची जाती है। और आगे मैं चल कर आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों जो भाई तैयार है किया जाता है ये माल जो जिसको भाई अभी बताया है जिसमें ये बनाया जाता है। देखिए दोस्तों गैस से भाई लाइनें जो खींच जाती है क्योंकि एक तरफ सिलेंडर रखा होता है और नीचे भाई आग जलती है तभी ये लाइनें भाई खींची जाती हैं। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी लगाई हुई है भाई बांगी चड्डी ना हो ऐसा कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी भी रखी हुई है। ये देखिए मैं पास से आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद है फिर जो मशीन है ये मशीन लाइनिंग लगाती है। और देखिए ये आपको दिखाना चाहूँगा ये यहाँ पर रहेगी तो इससे क्या होगा कि भाई इससे बाहर ना जाए क्योंकि इससे भाई जो इसकी भाई जो आबादी सिवा शंका आगरा भाई सीध बनी रहोगी। तो भाई देख सको यहाँ पर अभी मतलब यहाँ पर रस्सी लगा रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, और सामने आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हुई है इसमें माल तैयार किया जाता है। देखिए भाई ये मशीन है यहाँ पर देख सकते हैं इस मशीन में जो माल तैयार किया जाता है और आप देख सकते हैं सिलेंडर से माल तैयार होता है। तो देखिए अब इसमें है भाई माल डल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये देखिए अब इसमें माल डाल रहे हैं। देखिए इसमें खाली हो चुका था तो ये देखिए भाई अब इसमें से है वाग इसे खोल दिया उसको, अब वो माल बन के है इसमें तैयार होकर के है भाई इसमें आ रहा है भाई जो उसको अब सड़क पर लगा जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप
तो देखिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अभी आगे कट्टे पड़े हुए हैं और जो यहाँ पर सिलेंडर चला हुआ है, और भाई आग से भाई ये माल तैयार होता है और इसमें तैयार होकर के है इस मशीन में जाता है, और यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है, ये भी साथ ही साथ चलता है। और इसमें भाई ये कांच का भाई जो हम कह सकते हैं कि भाई ये देखिए भाई ये कांच है इसमें, जिससे होता क्या कि अब जैसे भाई सर्दी आने वाली है, सर्दियों में भाई कुछ दिखाई देता है कई बार भाई इधर उधर हो जाए तो इसे चमक बन जाती है, चमक बन जाने के कारण है इसे ये पता चलता है कि भाई हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। भाई जैसे आपको भाई सर्दियों में काफ़ी धुंध पड़ जाती है, धुंध पड़ जाने के कारण है भाई पता ही नहीं लगता कि भाई सड़क कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। तो भाई देख सकते हैं भाई कांच इसी लगा जाता है, भाई इसे चमक बन जाती है। तो एक वीडियो आपके पीछे लेके आया हूँ और देख रहे हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।